टाउनशिप में हो रहे लगातार गंदे पानी की सप्लाई एवं बोरिया बाजार सेक्टर 4 के व्यापारियों और इस बाजार में आने वाले ग्राहकों के मद्देनजर नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल द्वारा बाजार परिसर में एक वाटर एटीएम का शुभारंभ किया गया। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शहर सरकार की पहली प्राथमिकता है। बीएसपी के टाउनशिप में अब भी शुद्ध पेयजल का संकट बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भिलाई नगर निगम द्वारा वाटर एटीएम की स्थापना करना अपने आप में एक सुखद व राहत भरी खबर है। निगम की मंशा है कि शहर के टाउनशिप व पटरी पार के निवासियों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध करा सके, इसके लिए निगम प्रशासन सदैव प्रयासरत है। महापौर नीरज पाल ने भी पेयजल आपूर्ति विभाग को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं भीषण गर्मी के दिनों में जगह जगह प्याऊ घर व वाटर एटीएम खोले जाने से शहर वासियों सहित वहां से गुजर रहे राहगीरों के कंठ को तर करने में भी मदद मिल लगी। सेक्टर 4 के बोरिया मार्केट सहित आसपास के लोगों तथा राहगीरों एवं आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से वाटर एटीएम की स्थापना की गई है। महापौर नीरज पाल ने इस वाटर एटीएम का शुभारंभ किया। इसकी स्थापना के लिए व्यवसायी भी काफी दिनों से मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई। नीरज पाल ने आम जनमानस, व्यापारियों व सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे भी सार्वजनिक जगहों पर पानी की व्यवस्था कर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में मददगार बने। देखिए, सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में माननीय महापौर जी ने वाटर टैंक का शुभारंभ किया है और इस भीषण गर्मी में और जब बीएसपी क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या सुनने में आ रही है और वहां पे गंदे पेयजल की शिकायतें आ रही है, इस समय में यह राहत देने वाली खबर है कि वाटर एटीएम की स्थापना बोरिया मार्केट में हुई है और इसका शुभारंभ माननीय महापौर जी ने वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया है। और इससे जो है निश्चित तौर पर जो आम राहगीर हैं, वहाँ के व्यवसायी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको सभी को इसका लाभ मिलेगा। ठंडा और शुद्ध पेयजल उनको उपलब्ध। भिलाई निगम वाटर एटीएम लगाकर क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराकर भागीरथी की तरह भूमिका का निर्वहन कर रहा है। निगम निश्चित तौर पर ऐसा पुनित कार्य कर प्यासे लोगों के कंठ को तर करने का प्रयास भी कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।